हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके स्क्रीन पे ये जो टॉपिक है, द एनाटॉमी ऑफ कम्युनल वायलेंस इन इंडिया, वैसे ये आपको किसी बुक के चैप्टर में नहीं मिलेगा, हाँ, लेकिन यूपीएससी के सिलेबस में ये एक बहुत प्राइम इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हालांकि इसकी रेलेवेंस एनसीईआरटी में है, क्लास 10th के सिविक्स के बुक में आई थिंक चैप्टर 4 है, और हमारे इंडियन सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट GS 1 में। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखिए, हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने कविता में ये कहा था कि नफ़रतों का आकार देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया, गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया, मंदिरों में हिंदू देखे, मस्जिदों में मुसलमान, शाम को जब मैखाने गया तब जाकर दिखे इंसान। हालांकि ये मैखाने वाली बात आप बहुत सीरियस मत लेना, ये एक कविता है, लेकिन हाँ, दिन भर आप इन चीज़ों में लड़ते रहो, हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पे आप लोगों की दुकानें जलाते रहो, तोड़फोड़ करते रहो, और वहीं शाम को एक ही मैखाने में जाके एक ही टेबल के ऊपर हिंदू मुस्लिम एक हो जाते हैं। ऐसा क्यों? दिन में क्या होता है और रात में ऐसा क्यों हो जाता है? देखिए दोस्तों, ये जो लोग हैं जो दंगे फसाद करते हैं, जो जिनकी हत्याएं होती हैं, जो लोग दंगों में मारे जाते हैं, जिनको चोट पहुंचती है, वो आम आदमी होते हैं। ये लोग आम होते हैं, ये लोग दंगा भड़काने वाले या हिंसा करने वाले लोग नहीं होते हैं, क्योंकि जो दंगा भड़काते हैं वो तो भड़का के साइड से निकल लेते हैं या तो फिर उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट हाउ कैन वी स्टॉप कम्युनल वायलेंस इन इंडिया, व्हाट आर द फैक्टर्स रिलेटेड टू कम्युनल वायलेंस इन इंडिया, एंड व्हाट आर द इमीडिएट कॉज ऑफ कम्युनल वायलेंस इन इंडिया। आज हम ये समझेंगे, और डिटेल में 5-10 मिनट का टाइम दीजिए, आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, GS 1 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर हो जाएगा, NCERT का रिविजन हो जाएगा, ओके, और मेंस आंसर के लिए आपको एक कंटेंट मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये मैंने जैसे आप बताया था आपको, गवर्नेंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है GS 2 से रिलेटेड, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स, पॉलिसीज, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सिटीजन चार्टर, और किस कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे, हम बात करेंगे कि भारत की जो लंबी इतिहास है कम्युनल वायलेंस का, ठीक है, जो आजकल आपको देखने को मिल रहा है, कुछ ऐसा ही पैटर्न इतिहास में भी, हिस्ट्री में भी देखने को मिला था। सो आज के टाइम पे ऐसा क्या डेंजर है, आज के टाइम पे ये क्या नुकसान पहुंचा सकती है, जो कि कहाँ से आ रही है? ये पॉलिटी से आ रही है, राजनीति से, ये समाज से भी आ रही है। और दूसरा कि एक कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है कम्युनल वायलेंस, ठीक है, सांप्रदायिक दंगे और ये सारे जो जाति और धर्म के भार पे जो दंगे प्रसाद होते हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, और इसको हम सिंप्लीफाइड कैसे कर सकते हैं। इन बातों को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना ज़रूरी होगा कि कम्युनलिज्म क्या होता है। देखिए, कम्युनलिज्म आप बस सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि कोई भी राजनेता, कोई भी चुनाव, एक तरीके से आप लगा लीजिए कि पॉलिटिक्स, धर्म को पॉलिटिक्स के अंदर यूज़ करने के लिए जो आइडियोलॉजी की ज़रूरत होती है, वही होती है कम्युनलिज्म। कम्युनिज्म एक तो है, कम्युनिज्म, आप कम्युनिज्म से कम्युनलिज्म डिफरेंशिएट बिल्कुल करना सीख लें, क्योंकि कम्युनिज्म इज़ टोटली अ डिफरेंट थिंग एंड कम्युनलिज्म इज़ टोटली अ डिफरेंट थिंग। कम्युनिज्म के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं? कम्युनलिज्म की, ठीक है। सो डेफिनेशन अगर हम जाएं डेफिनेशन पे, तो कम्युनलिज्म इज डिस्क्राइब्ड एज एन आइडियोलॉजी, जहाँ पे भी ये आईइज्म की बात आ जाएगी, इज्म, ये एक आइडियोलॉजी का रूप ले लेगी। फेमिनिज्म, कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म, या फिर एनीथिंग, कोई भी अगर इज्म वाली बात अगर आ जाती है, ठीक है, मेजोरिटेरियनिज्म, अथॉरिटेरियनिज्म, एनीथिंग, वो एक आइडियोलॉजी की बात आती है, जो ये सफिक्स जुड़ता है। सो कम्युनलिज्म क्या है? इट्स आइडियोलॉजी विच स्टेट्स दैट द डिवीजन ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप्स और पीपल और कम्युनिटी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी, रिलीजन, बिलीव्स, वैल्यूज, ठीक है। तो जो डिफरेंस ऑफ टू और मोर रिलीजन होते हैं, या फिर दो से ज़्यादा सोशल कम्युनिटीज होती हैं, उनके जो आइडियोलॉजी में जो फ़र्क है, वो होता है कम्युनलिज्म। मैं मुस्लिम हूँ, अगर आप हिंदू हैं, मेरे मुस्लिम में भी कई सारे ऐसे मेरे दोस्त भाई हैं जो अपने विचारों से अलग हैं, मेरे विचारों से अलग हैं, राइट, हम एक ही ग्रुप में रह रहे हैं। आप हिंदू हैं,
आपके हिंदू भाई बहन में भी कई सारे विचारें होंगी, कई सारे थॉट प्रोसेस होंगे, आपसे वो लोग अलग हैं, और ये जब साथ में एक साथ मिल के आएंगे तो एक विचारधारा बन के आएगी, और इस विचारधारा में होता है क्लैश। इस विचारधारा को यूज़ किया जाता है पॉलिटिक्स में, चुनाव में, राजनीति में, और उसी का बेसिस बना के फिर चुनावी मुद्दा और पॉलिसीज़ कभी कभी ऐसे लड़ी जाती हैं। सो मुद्दा आज का ये है कि कम्युनलिज्म बेसिकली तीन चार प्रकार के होते हैं। जो मेन इसका कम्युनिज्म का मेन जो एंगल निकल के आता है वो तो है आपका पॉलिटिकल, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो एक एंगल बन के आएगा आपका पॉलिटिकल कम्युनिज्म, दूसरा आएगा सोशल कम्युनिज्म, और तीसरा आएगा इकोनॉमिक कम्युनिज्म, ठीक है। ये तीन एंगल्स आपके सामने बन के आएंगे। सो पॉलिटिकल कम्युनिज्म क्या होता है? पॉलिटिकल कम्युनलिज्म इज ऑल अबाउट कि यू नो टू सर्वाइव इन द स्फीयर ऑफ पॉलिटिक्स, लीडर्स जो हैं वो इम्प्लिसिटली कुछ ऐसे आइडियाज़, कुछ ऐसे भाषण, मतलब होते हैं ना कि बिगोट्री वाले, बिल्कुल कट्टरवाद भाषण बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं जिससे दंगा भड़क सकता है। जैसे कि अभी आपने हरियाणा में देखा होगा, सॉरी हरिद्वार में देखा होगा कि कैसे हेट स्पीच वाला मामला आया था, राइट। सो इसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। सेकेंड है सोशल कम्युनिज्म। सोशल कम्युनिज्म की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इट्स ऑल अबाउट सामाजिक स्तर पे, जैसे कि क्लास, क्रीड, जातिवाद के स्तर पे आप किसी को भेदभाव, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, ठीक है, कि भाई उन लोगों की जो बिलीव्स है, उन लोगों की जो थॉट प्रोसेस है, उसमें ही भेदभाव है, उन चीज़ों को लेके आप फिर राजनीति में घुस रहे हो, ठीक है। और तीसरा है इकोनॉमिक। ये इकोनॉमिक समझ में आ गया आपको, आर्थिक जो पैसे रुपयों के अभाव पे उनके जो विचारधारा हैं, जो एक मार्क्सिस्ट अप्रोच जो होता है, हैव्स और हैव्स नॉट, जो कैपिटलिस्ट हैं और जो वर्किंग क्लास हैं, वहाँ पे हम ये थ्री प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हम आज बात करेंगे कि भाई कम्युनलिज्म से थ्रेट किसको किसको होता है। देखिए, कम्युनलिज्म से ये डायरेक्ट थ्रेट होता है सोसाइटी को, हमारे समाज को। सबसे बड़ा नुकसान कम्युनलिज्म के तहत होता है, क्योंकि लोगों की अपनी बिलीव और लोगों की विचारधाराएं इस डायरेक्शन में हैं, डायरेक्शन लेस हैं बेसिकली, और इस वजह से हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को भी फ़र्क पड़ता है। तो एक तो ये है कि भाई इंटरनल सिक्योरिटी पे डैमेज होता है, ठीक है, और दूसरा ये है इट इज़ अ कैटलिस्ट बिटवीन पॉलिटिक्स एंड सोशल टेंशन, ठीक है। इट लीड्स टू डिवीजन बिटवीन ग्रुप ऑफ पीपल, कम्युनिटीज़, चाहे वो एक ग्रुप के बारे में हो या फिर स्टेट वर्सेस स्टेट हो, राइट। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि भाई हॉस्टिलिटी हो जाती है, ओपोजिशन टूवर्ड्स अदर्स, ठीक है। इट्स लाइक दोनों, एक राज्य एक दूसरे की तरफ बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाते हैं, ये हॉस्टिलिटी की बात आ जाती है। तो ये था एक कम्युनलिज्म का छोटा सा डेफिनेशन और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल। हम कुछ समझते हैं, हम चलते हैं पास्ट में, हिस्ट्री में। कहते हैं दोस्तों कि भारत का जो इतिहास है, जो वैदिक साइंस है भारत का, वो एक वो भी एक विचारधारा है, वो भी एक अफोरिज्म है, एक कहावत है, एक प्रूवन फैक्ट है उस टाइम का। कहते हैं कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, मतलब कि सत्य एक है, जितने भी लर्नड पर्सनालिटीज हैं, जितने भी पढ़े लिखे ज्ञानी लोग हैं, वो लोग उस सत्य को अपने अपने हिसाब से तोड़ते मरोड़ते हैं, इसीलिए भारत कभी यूनिफॉर्म नहीं रह पाया है। उसी एक सत्य को या फिर उसी एक झूठ को हर जगह अपने अपने हिसाब से तोड़ा मरोड़ा गया है, इसीलिए हम यूनिफॉर्म नहीं हो पाए हैं, और यही हमारी विचारधारा, यही हमारी संस्कृति में इवॉल्व होते रहा है। तो ये फॉर इयोन्स का क्या मतलब है? फॉर इयोन्स का यहाँ यही मतलब है कि बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। इंडिया हैड सिंक्रोनिटिक ट्रेडिशन इंस्पायर्ड बाय वैदिक अफोरिज्म, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये कही गई है, बिकॉज ऑफ द अंडरपिनिंग इंडियन सोसाइटी हैज नेवर इंसिस्टेड ऑन यूनिफॉर्मिटी इन एनी फेसेट ऑफ लाइफ, ठीक है। यहाँ बात की जा रही है द फर्स्ट इनकर्जन केम इन 712 में सबसे पहला जो है वो इनकर्जन हुआ था, और मोहम्मद बिन कासिम ने कब्जा किया था सिंध को, जिसका नाम दिया गया था चाशनामा। ये एक कंटेम्प्रेरी अरब क्रॉनिकल स्टेट था, ठीक है। इसमें क्या किया गया था कि मोहम्मद बिन कासिम के जितने भी ऑफिसर्स थे, उन्होंने बेसिकली हिंदू रिलीजन तो था ही उस वक्त, उन्होंने हिंदू रिलीजन को फ्री छोड़ा था, लेकिन ये कहा था कि भाई आप हमारे विचारधारा को मानिए,
अगर आप हमारे विचारधारा को, अगर आप मुस्लिम फ्रटर्निटी को, मुस्लिम आइडियोलॉजी, मुस्लिम बिलीव्स को अगर आप नहीं मानते हैं, फिर आपको पैसा देना पड़ेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप टैक्स भी नहीं देंगे तो फिर तो आपका भाई गुनाह है, फिर तो आप वो पत्थर से मारे जाओगे और फिर भाई सर कलम होगा आपका। ऐसा सिचुएशन था। तो आप देख सकते हो जिमीज, यहाँ आप जिमी की बात हो रही है, जिमी एक ऐसी थियरी है, एक ऐसी प्रैक्टिकल भी थी कि आपको इनके विचारधाराओं से सहमत होना पड़ेगा, आपको मुस्लिम के विचारधाराओं से आपको सहमत होना पड़ेगा, आप फ्री रह सकते हो, आप आज़ाद जी सकते हो। जहाँ पे जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप असहमत हो गए, आप उनके जो बिलीव्स हैं, फिलॉसफीज़ हैं, आप उनसे असहमत हुए, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। इसी टाइम पे है 11 सेंचुरी में महमूद ऑफ गजनी आए थे। इन्होंने जैसे ही कैलिफेट का ऑनर, जो जैसे भी ये महाराजा का, राजा का थ्रोन लिए, तो कैलिफेट के ऑनर मिलते ही इन्होंने प्लेज लिया कि भाई हम जिहाद हर साल करवाएंगे इंडियन आइडियोलेटर्स के बाद। जो भी इंडिया में, जो भी उस टाइम पे हिंदू रह रहे हैं, अगर अपनी आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे हैं और मुस्लिम्स की आइडियोलॉजी हिंडर हो रही है, तो जिहाद होगा यहाँ पे, ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि ये जो दोनों कम्युनिटी है, हिंदू मुस्लिम, वो कभी भी, और ख़ास करके जब पावर में रहे हैं ये लोग, तो कभी भी कॉर्डियल नहीं रहे हैं, कभी भी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ही, पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे रिलेशन नहीं रहे हैं, ठीक है। और बात करते हैं पाकिस्तान की, तो दोस्तों जब भारत और पाकिस्तान दोनों अलग हुए थे, तो उस टाइम पे दोनों इंडिपेंडेंट थे, ठीक है। एक सेकुलर पाकिस्तान हो रहा था उधर, एक सेकुलर इंडिया हो रहा था उधर, लेकिन पाकिस्तान में एक धर्म का राज चलता रहा। धीरे धीरे धर्म पॉलिटिक्स में घुसता गया, धीरे धीरे धर्म स्टेट में घुसता गया, और वो आज की डेट में आप कह सकते हो कि इट्स एन रिलीजियसली इन्फ्लुएंस स्टेट। पाकिस्तान इज़ ए रिलीजियसली इन्फ्लुएंस स्टेट। और क्या है हालत, देख रहे हो आप ना पाकिस्तान की हालत, देख ही रहे हो सब लोग कि भाई हालत क्या है वहाँ पे। तालिबान की हालत देख रहे हो आप ट्यूनीशिया की हालत देख रहे हो, आप ईरान की हालत देख रहे हो। जहाँ जहाँ पे स्टेट जो है वो रिलीजियस से इन्फ्लुएंस हो जाता है, जहाँ जहाँ पे स्टेट, जो स्टेट के जो सुप्रीम लीडर हैं वो रिलीजन के लीडर हैं, वहाँ वहाँ पे बेड़ा गर्क हो जाता है, सत्यानाश हो जाता है, और फिर वो अपनी ही विचारधारा, एक तो मेल शोविनिस्ट हैं सारे के सारे, एक जो कहते हैं ना कि इट्स ऑल अबाउट मेंस हु रूल द किंगडम, वुमेन के लिए कोई जगह नहीं, तो आप वहाँ देख सकते हैं। और वही इंडिया सेम टाइम पे भारत से पार्टीशन के बाद आज़ाद हुआ था, वहीं पे भारत ने इस्टेब्लिश किया बीइंग ए सेकुलर। चलो ठीक है, सेकुलर वर्ड बाद में ऐड हुआ, लेकिन बहुत सारे ऐसी रिलीजन्स एग्जिस्ट कर रहे थे भारत में भी जब भारत आज़ाद हुआ था तो, राइट। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जूस, पारसीज, कई सारे ऐसे धर्म थे, लेकिन भारत ने कभी भी उस टाइम पे शुरू में रिलीजन को स्टेट में घुसने नहीं दिया। जवाहरलाल नेहरू का सबसे बड़ा स्टेप यही था, इनफैक्ट गांधी जी का भी एक सुझाव था, लेकिन गांधी जी वॉज मोर सोशलिस्ट, थोड़ा सा धर्म को मानते थे, रिलीजन स्टेट को, वैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू का सीधा सीधा था कि भाई धर्म इज़ नॉट इक्वल टू स्टेट, ठीक है, अलग रहना चाहिए, तो ही हम सेकुलर इंडिया बना सकते हैं, तो ही हम रिपीट नहीं कर सकते हैं पाकिस्तान में जो हुआ। सो भारत में ये जो चीज़ें हैं, एक तरीके से आप एज ए बूंद भी कह सकते हो, यहाँ पे प्लूरलिज्म है। प्लूरलिज्म मतलब बहुलवाद, कई सारी कम्युनिटीज़ हैं, कई सारे यहाँ पे रिलीजन हैं, और सारे रिलीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और इक्वल पार्टिसिपेशन मिलता है, और इसी की वजह से भी कहीं ना कहीं यहाँ पे दंगे होते हैं, राइट्स होते हैं, राइट। सो इंडिया विल ऑलवेज बी कल्चरल प्लूरल माइरड एंड ए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, बट वट वॉज डिफरेंट दिस टाइम। आप सब ने देखा होगा जहांगीरपुरी में जो दंगा हुआ, वो थोड़ा सा अलग था। अलग किस लिए था, क्योंकि चीज़ें तो थीं, बेसिकली जो बेसिक चीज़ें थीं, कम्युनल राइट्स, रिलीजियस प्रोसेशन, वो तो थीं ही। अलग इसलिए हुआ क्योंकि उसके बाद 16 अप्रैल के बाद जो मामला 21 तारीख को हुआ, वो अलग था कि लोगों की आवाज़ों को दबाने के लिए, इस प्रोसेशन को, इस दंगे को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने लोगों के जो वहाँ पे जितने भी स्ट्रीट शॉप थे उनको तोड़े गए। कुछ लोग तो ऐसे थे जिनके पास कागज़ थे पूरे, उनको तोड़े गए। जो गरीब तबके के लोग थे, सबसे ज़्यादा कष्ट उनको हुआ। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये
ऐसा रायट है, ये एक ऐसा वॉयलेंस है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गरीब ही पिसता है और गरीब ही पिसते आया है। ठीक, तो रिलीजियस प्रोसेशन हुआ था, ये आप सब मानते हैं। इट शुड बी फर्स्ट नोटेड दैट सच प्रोसेशंस हैव हिस्टोरिकली बीन सम ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिगर्स ऑफ कम्युनल राइट। चाहे वो कोई भी प्रोसेशन हो, आपने देखा होगा हिस्ट्री, तो इतिहास में ऐसी बात भी है कि भाई जब जब रिलीजियस प्रोसेशन निकला है तब तब दिक्कत हो जाती है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि अगर ताजिया निकल रही है, ताजिया निकलने में अगर एक टुकड़ा भी उसका गिरा, और वैसे ही अगर हनुमान जयंती में अगर एक लाउड स्पीकर भी बंद हो गया तो बवाल हो जाता है, मतलब दंगा फड़क जाता है। तो ये सेंसिटिव चीज़ें मतलब कैसे ख़त्म हो सकती हैं और क्या रीज़न है, इसके बारे में हम अभी समझते हैं। तो सच प्रोसेशंस कैन बी इंटेंशनली पॉलिटिकल एंड आफ्टर मॉर्फिंग सच रिलीजियस कम्युनल। यहाँ पे जो बात दिखाई जा रही थी वो थी कम्युनलिज्म वर्सेस रिलीजियोसिटी। कम्युनलिज्म इन साउथ एशिया हैज़ बीन डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम रिलीजियोसिटी। रिलीजियोसिटी मे बी अबाउट डीपर मीनिंग ऑफ लाइफ, बट कम्युनलिज्म इज अबाउट कोर्सिव असर्शन ऑफ पावर। ठीक है, सो वॉट इज डिफरेंट इस टाइम। अब चाहे वो रामनवमी हो या हनुमान जयंती, ये रिलीजियस प्रोसेशन जो हैं वो हमेशा कोई ना कोई दंगे फसाड खड़ा कर देते हैं। और इस बार का जो था भाई, वो तो परमिशन ही नहीं मिली थी पुलिस से, तो आप बिना परमिशन के लेके गए थे। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी है वो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि एक राज्य प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी फॉलो कोई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, और होलिस्टिकली पूरे इंडिया में जो न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल है वो फॉलो नहीं हो रहा है। दूसरी एक चीज़ दोस्तों, भगत सिंह ने 1928 में पंजाबी मैगजीन में इन्होंने ऐसे लिखा था, 1928 का भगत सिंह का ऐसे, और आज के दिन जो हालत हुई है हमारी, हो रही है जहांगीरपुरी में जो हुआ है, वो बिल्कुल सेम है। लगभग 100 साल पहले ये लिखा गया था ऑलमोस्ट, और 100 साल पहले 1928 में भगत सिंह ने इसको लिखा था अपने एक ऐसे में, जिसमें कहा था उन्होंने कि द कंडीशन ऑफ इंडिया हैज़ नाउ बिकमिंग पथेटिक। उन्होंने ये कहा था कि भाई द फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन हैव बिकम द बिटर एनिमीज ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ अनदर रिलीजन। एक धर्म के फॉलोअर दूसरे धर्म के फॉलोअर के एनिमी होते जा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे लोग मरते कौन हैं, मरते वही लोग हैं जो कि फॉलोअर हैं, जो कि आम आदमी हैं, जो दंगा फसाड करवा रहे हैं वो कभी नहीं मरते। ठीक है, आम आदमी मरता है, गरीब मरता है। इफ़ समवन हैज़ डाउट अबाउट एनी सीरियसनेस, देन वो लाहौर वाले कांड को देखे, लाहौर वाले इंसिडेंट को देखे, जहाँ पे मुस्लिम ये समझ के हिंदू और सिख को काट रहा है, क्योंकि मुस्लिम को लगता है ये हमारे गुनहगार है और ये है आतंकवादी, ये है इसी की वजह से हम अलग हुए हैं। और सिमिलरली यही चीज़ देखी गई थी इंडिया में भी, कि जब मुस्लिम्स को के ऊपर प्रेशर हो रहा था, इनको मारा काटा जा रहा था, किसके, हिंदू और सिख ने ऐसा किया था। सो दीज म्यूचुअल किलिंग्स हैव नॉट बीन रिजॉर्टेड बाय द किलर्स टू अवॉइड पनिशमेंट। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये चीज़ें सॉल्व कैसे हो सकती हैं। तो इंडियाज फ्यूचर लुक्स लाइक एक्सट्रीमली ब्लीक, ये उस टाइम में 1928 में उन्होंने कहा था। इन्होंने कहा था कि दीज रिलीजन्स हैव स्क्रूड इंडिया एंड वन डज नॉट व्हेन इंडिया विल बी फ्रीड फ्रॉम दीज कम्युनल राइट्स। ऐसा कौन सा दिन आएगा, कब आएगा, कि जब भारत कम्युनल राइट्स से फ्री हो जाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग सच राइट्स, आप कभी ऐसा एग्जाम्पल देख सकते हो, लाइक एग्जाम्पल्स ऑफ हिंदू मुस्लिम और सिख हु कीप्स हिज हेड कूल वाइल द रेस्ट कीप्स अप रोड। बहुत सारे ऐसे नेताओं भी थे जो लोग भड़काऊ भाषण दे रहे थे, जो लोग दंगा भड़का रहे थे। बहुत सारे ऐसे नेता उस टाइम पे ऐसे भी थे जो लोग कोशिश तो करना चाह रहे थे बताने की, लेकिन ये जो कम्युनलिज्म का जो दबाव था उनके ऊपर बहुत ज़्यादा था। ठीक है, भगत सिंह ने अपने उस स्टेटमेंट में दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया था। एक तो था कि भाई न्यूज़पेपर्स की ड्यूटी, न्यूज़पेपर्स को बहुत बड़ा ब्लेम देते हुए कहा भगत सिंह ने कि न्यूज़पेपर्स एक टाइम ऐसा था जो कि बहुत अच्छी, बहुत ही लर्नड एडुकेशन और बहुत ही सेकुलर एक न्यूज़ निकालते थे, ताकि लोग उससे समझे, सीखे, पढ़ें। लेकिन आज का जो न्यूज़पेपर है, मैं 1928 की बात कर रहा हूँ, भगत सिंह ने यही लिखा है, जो आज का न्यूज़पेपर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बिल्कुल खोते जा रहा है। वो बड़ी बड़ी हेडलाइंस में और अलग अलग शहरों में हुए दंगे को वो हाईलाइट कर रहा है, वो रीज़न को हाईलाइट कर रहा है, जबकि न्यूज़पेपर का काम है एडुकेट करना, जो भी नैरो माइंड लोग हैं, मंदबुद्धि के जो लोग हैं, उनको लिबरेट करना, उनको एनलाइटन करना,
फंडामेंटलिज्म को इरेडिकेट करना, इस वजह से क्या होगा भाई, एक सेंस ऑफ फटर्निटी, यही तो काम है ना न्यूज़पेपर का। अगर कहीं दंगे बवाल हो भी रहे हैं तो न्यूज़पेपर का ये काम है कि भाई हम उनसे क्या सीख सकते हैं, आपको क्या नहीं करना चाहिए। आज के टाइम पे न्यूज़पेपर बिल्कुल ब्लंट लिख देते हैं और कभी कभी वो नेगेटिव चला जाता है, ब्लंट स्टेटमेंट, राइट। सो इट्स बिल्डिंग अ कॉमन नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। दूसरी चीज़ भगत सिंह ने जो हाईलाइट की है वो थी क्लास कॉन्शियसनेस, बिल्डिंग क्लास कॉन्शियसनेस। दोस्तों देखा ये गया था कि बंगाल में 1960s या 70s के टाइम पे एक थोड़ा सा एक रायट हुआ था। रायट में ये पाया गया कि जो बंगाल के वर्कर क्लास है उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया उस दंगे फसाड में। जब उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया उस दंगे में तो वो दंगा महज 24 घंटे के अंदर सॉल्व हो गया, बल्कि वो दंगा ना बल्कि एक छोटा सा किस्सा बन के रह गया था, ठीक है। इससे क्या समझने को मिलता है, हमें इससे ये समझने को मिलता है अगर आप अपना क्लास, अपना स्टेटस जान लें, आपको क्या करना है वो जान लें, तो फिर आप प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आप पढ़ भी नहीं सकते हो, इन जो माइंड गेम्स खेलते हैं बड़े बड़े लोग दंगा फैलाने के लिए। कार्ल मार्क्स ने भी ये कहा है कि क्लास कॉन्शियसनेस होना बहुत ज़रूरी है। क्लास कॉन्शियसनेस बोले तो कि आप कौन से क्लास में फॉल करते हो, लाइक आप एक पुअर वेज क्लास हो, या फिर आप कैपिटलिस्ट हो, मिडिल मैन हो, या फिर आप है किस में आते हो, हैव्स और हैव नॉट्स में आते हो। अगर आप पुअर मिडिल लेबर क्लास हो तो फिर आप अफोर्ड नहीं कर सकते दंगे में जाना, क्योंकि अगर आप जाओगे दंगे में तो फिर आपको चोट लगेगी, आपका मर्डर भी हो सकता है, आपकी हत्या भी, आपकी जान भी जा सकती है, आपके फैमिली को कौन खिलाएगा, राइट। सो आप बेहतर रखिए, अपना काम करें, अपना ध्यान रखें। आपका जो मिडिल क्लास है, जो लेबर क्लास है, उनके लिए जो एनिमीज़ हैं वो कैपिटलिस्ट हैं, जो पूंजीवाद हैं, ठीक है। एंड दे शुड कीप अलूफ फ्रॉम मनूवरिंग इट, ठीक है। वो जो कह रहे हैं उनसे हमें इंस्टिगेट नहीं होना है, हमें एकजुट बन के रहना है, ताकि वो कुछ भी कहें, वो जितना भी इंस्टिगेट करें, जितना भी इंटिमिडेट करें, जितना भी डराएं, हमें हिलना नहीं। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो डराते डराते खुद डर जाएंगे, हमारे अंदर से डर निकल जाएगा और वो खुद वापस चले जाएंगे। सो गाइज, यू वुड लूज नथिंग बाई डूइंग सो, ठीक है। इंस्टेड वन डे यू वुड बी लिबरेटेड फ्रॉम ऑल द शैकल्स एंड अचीव इकोनॉमिक फ्रीडम। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे नज़र आता है इकोनॉमी का। आपने देखा होगा रशिया में 1800 सदी के टाइम पे जब ज़ार एक बहुत ही आक्रामक, बहुत ही मेजोरिटेरियनिज्म वाला बंदा था, और उसके दौरान में एक फाइनेंशियल इमरजेंसी हुई थी 1837 और 40 के बीच में। तब रशिया में सबसे ज़्यादा दंगे फसाद हुए, बहुत ज़्यादा राइट्स हुए, और उसकी वजह से कई लोग, जितने भी लेबर क्लास लोग थे, क्लासलेस लोग हो गए थे एक तरीके से, और सबको लगने लगा था कि भाई ये मेरा रिसोर्स है। और रशिया एक टाइम पे 1857 की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे एक हब बन गया था रायट्स का, कम्यूनल रायट्स का। लेकिन जैसे ही लेटर ऑन उनकी गवर्नमेंट चेंज हुई, जब गवर्नमेंट चेंज हुई, उसके बाद फिर सोशलिस्ट वाली भावनाएं चली, सब लोगों को क्लास पता चला, जब मेन जो है वो लेबर, जो वहाँ के सोशल ग्रुप था, वो उनके हाथ में कमान आई, उनके हाथ में गवर्नेंस आई, तब जाके मामला थोड़ा ठीक हुआ था। तो रशिया से हम सीख सकते हैं, हम पाकिस्तान से सीख सकते हैं, हम तालिबान, हम अफगानिस्तान, हम ईरान, टर्की, इन सारे कंट्रीज से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, राइट। सो वी वुड नॉट लूज बाई डूइंग दिस। हमें एक यूनिटी बना के रखनी है, क्लास कॉन्शियसनेस बना के रखना है, और इसी क्लास कॉन्शियसनेस बनाए रखने से ये जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, ये जो फंडामेंटलिस्ट लोग हैं, जो मेजोरिटेरियनिज्म है, जो इनका बहुत ज़्यादा ही प्रभाव पड़ रहा है आम आदमी के जीवन पे, वो कम होते रहेगा, ठीक है। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव सिमिलर राइट्स वेदर दे बिलोंग टू एनी रेस, कास्ट एंड क्रीड। योर वेलफेयर लाइज इन बिकमिंग यूनाइटेड एंड ट्राइंग टू स्नैच द पावर ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक इनटू योर हैंड्स। ये भगत सिंह ने खुद लिखा है अपने हाथों से। और दूसरा देखिए, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू कम्युनल वायलेंस। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि उस टाइम पे अखबार हुआ करता था, भगत सिंह के टाइम पे 1928 में, और आज के टाइम पे सोशल मीडिया है, राइट। रोल ऑफ मेन स्ट्रीम मीडिया इज लाइक प्रिंट मीडिया, और जो पॉपुलर न्यूज़ पेपर, न्यूज़ चैनल्स हैं। रोल ऑफ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन,
अच्छी ज्ञान की बात कोई नहीं कर रहा है, बहुत कम लोग हैं आजकल। न्यूज़ या तो मतलब गोदी मीडिया, आपने नाम सुना होगा, वो बन चुका है, ठीक है। तो आप इंडिपेंडेंट, जो जिसे हम यूपीएससी से रिलेटेड टॉपिक लेके आते हैं, वो एक बहुत ही फैक्चुअल टॉपिक होता है, एकदम कन्फर्म्ड बेस्ड टॉपिक होता है। हम कहीं, मैं आपको दो रास्ते नहीं दिखाता, किसी के लिए भड़काया नहीं जाता है। इट्स लाइक अ वेरी कंक्रीट एंड कंसाइज इन्फॉर्मेशन हियर एवरीबडी प्रोवाइड्स, राइट। मेजोरिटेरियनिज्म, हेजिमनी एंड माइनॉरिटी इनसिक्योरिटी, इसके बारे में हमने ऑलरेडी कवर किया था, मेजोरिटेरियनिज्म, हेजिमनी एंड माइनॉरिटी इनसिक्योरिटी। और दूसरा है भाई इम्पैक्ट ऑफ कम्यूनल वॉयलेंस। सो बेसिकली इसके इम्पैक्ट क्या हो रहा है मानवाधिकार पे, ह्यूमन राइट्स पे, लोगों के ह्यूमन राइट्स पे। बिना पूछे आपके मकान तोड़ दिए गए, बिना पूछे आपके आपका घर तोड़ दिया गया। आपका घर तो छोड़ो, आपका जो दुकान था जिससे आप तो चार पैसा कमा के रोज़ रात में खाना खाते थे, वो तोड़ दिया गया था। देख रहे हो आप पीछे ये बुलडोज़र रात चल रहा है, ये यहाँ पे ये मेरा भारत महान लिखा था। इकोनॉमिक लॉस कितना होता है, अरे देश को तो होता ही होता है इकोनॉमिक लॉस, पर फैमिली को, हाउस होल्ड को, उनका इकोनॉमिक लॉस होता है। 50-60 हज़ार रुपये जो कि लोग साल साल भर में इकट्ठा करते हैं, दो दो साल में, वो एक झटके में ख़त्म हो जाता है। इरोजन, सोशल डिसोनेंस, इरोजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, जो हमारे संविधान के मूल अधिकार हैं, उन वो छीन लिए जा रहे हैं। जो हमारे संविधान के मूल वैल्यूज़ हैं, उनको छीन लिए जा रहे हैं, वो इरोड हो जा रहे हैं। आपने देखा होगा भाई, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद भी, उसके बाद भी ये इंक्रोचमेंट चलती रही, बुलडोज़र चलता रहा। सो दीज आर द इम्पैक्ट ऑफ कम्यूनल वॉयलेंस, और ये बहुत ही गहरा सदमा पड़ सकता है एक इंडिविजुअल को और इंडिया की हिस्ट्री को। ये दोस्तों, ये है मेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, ज़रूर ट्राई करिएगा और अटेम्प्ट करिएगा। डिस्कशन जो हमारा स्पेस है सिविल सेली का हैबिटेट पे, उस पे आप आके आप ये क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए और समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो उम्मीद है आज की चर्चा में आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इन केस इफ यू वांट टू से समथिंग, यू वांट टू राइट समथिंग, कमेंट करिए, अभी हम डिस्कस करेंगे और हम एक यूट्यूब लाइव सेशन भी लेंगे, संवाद भी करेंगे इस पे, ठीक है। तो आप अपना ख्याल रखिए, तब तक जय हिंद।